बस ये सवाल नंबर 15 है, आप समझ लीजिए। तो ये मान लीजिए कि आप सवाल नंबर 12, 13, 11, 14, 15, 16 सब आप कर लेंगे। सवाल नंबर 15 बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है, बस सबसे ध्यान देने वाली बात है। जिस पर आपका ध्यान अटक गया, समझिए वहीं से आपका ध्यान भटक गया, और जिस पर आपका ध्यान पूरी तरह से शिकार की तरह से लगा रहा, तो वैसे ही सारे सवालों पर अपना शिकार कर लोगे, सफल हो जाओगे। देखो ध्यान से देखो, ये तो इतना बढ़िया सेट है कि कुछ बिगाड़ना ही नहीं है, ये पहले से बना हुआ है, तो सीधे तुलना कर दो। ठीक है मेरे भाई, तो पी का मान पाओगे -3 कट अक्ष, क्यू का मान पाओगे -2x, पी का समाकलन कर लो -3 काट एक्स डी एक्स, -3 काट एक्स का समाकलन लाग, माइनस में होता है लाग कोशिक एक्स, तो माइनस सूत्र काट एक्स का समाकलन माइनस लाग कोशिक एक्स है, तो ये माइनस एक और माइनस आ गया, तो हो जाएगा प्लस लाग कोशिक एक्स। ठीक है, अब इस 3 को इसके ऊपर चढ़ा दीजिए, लाग कोशिक क्यूब एक्स। अब भैया तुरंत तुरंत IF निकाल लो, IF बराबर होता है सूत्र e की पावर PdX बराबर e की पावर, इसका वैल्यू यहाँ से ये मिल गया, तो रख देंगे लाग कोशिक क्यूब एक्स। ठीक है, ये और ये दोनों कट जाएगा, बचेगा कोशिक क्यूब एक्स, IF का मान आ गया कोशिक क्यूब एक्स। अब क्या होगा, अब सूत्र लगाएंगे y(IF) बराबर q(IF), ठीक है, इसका समाकलन प्लस c, तो y(IF), IF देखिए यहाँ पर है कोशिक क्यूब एक्स, q का मान यहाँ पर है sin(2x) इंटू कोशिक क्यूब एक्स प्लस सी, ये है समाकलन का चिन्ह। ठीक है, अब कैसे करेंगे इसको ध्यान से देखिए, y इंटू कोशिक क्यूब एक्स बराबर sin(2x) का सूत्र 2sin(x) इंटू cos(x), कोशिक को कर दो कोशिक एक्स इंटू कोशिक स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस सी। फायदा देखो क्या होगा, साइन और ये कोशिक 1 हो जाएगा, काम खत्म। अब कोशिक स्क्वायर को दो बार कोशिक अगर लिखेंगे, तो एक बार कोशिक को बटे साइन कर देंगे, तो कास बटे साइन काट हो गया, और एक बार जो कोशिक बचा है वो कोशिक रह जाएगा, यानी कोशिक इंटू काट आ जाएगा। देखो आ जाएगा कोशिक एक्स इंटू काट एक्स डी एक्स प्लस सी, ही आ जाएगा आपको 2 इधर। अब भैया इसका समाकलन क्या होता है, जितना मैंने अंडरलाइन कर दिया, इसका होता है माइनस कोशिक एक्स, तो भाई कोशिक क्यूब एक्स बराबर -2 कोशिक एक्स प्लस सी। ठीक है, अब एक काम करो, क्या एक्स वाई का वैल्यू यहाँ रखो, y बराबर कितना 2, x बराबर π/2। ठीक है, तो सीधे आप इसमें रखेंगे y का मान 2, x का मान 90, कोशिक x यानी कोशिक 90, साइन 90 का मान 1 होता है, कोशिक 90 का मान 1 हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 1। ठीक है, और फिर कोशिक 90 का मान 1 -2 इधर आएगा +2 c बराबर 4, तो c बराबर आ गया 4, c बराबर 4 आ गया, सी का मान इसी में रख देते हैं, यहीं पर 4, बस बात खत्म। कोशिक क्यूब से दोनों पक्षों भाग दे देंगे, तो वाई बराबर आ जाएगा, यहाँ से कट गया, और यहाँ पर -2 कोशिक एक्स में कोशिक क्यूब एक्स से भाग देंगे तो कटेगा, 1/2 कोशिक स्क्वायर बचेगा, वो हो जाएगा साइन स्क्वायर। ठीक है, 80/ कोशिक क्यूब तो लिख सकते हैं सी साइन क्यूब, ये है आपका उत्तर। ठीक है, बस बस बस।
उत्तर मिला लीजिएगा भैया, ठीक है। 4 7, अरे भैया ये सी लिख दिया मैंने, सी नहीं लिखना था, सी का वैल्यू 4 लिखना था, यहाँ 4 रहेगा, ठीक है। 4 sin³x - 2 sin²x, आंसर देखता हूँ पलट के कहाँ पर है। हाँ, 4 sin³x - 2 sin²x, बिल्कुल यही आंसर है, यही आंसर है। तो ज़्यादा लंबा नहीं था ये सवाल, अच्छा था, समझ में आया होगा। अगर आपने अभी तक मैथ में कुछ भी तैयार नहीं किया है, आपका मैथ बिल्कुल कमज़ोर है और आपको लगता है कि आप मैथ में फेल हो सकते हैं, तो आप मेरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट वाला कोर्स ज्वाइन करिए। यह कोर्स मैंने कमज़ोर छात्रों के लिए बनाया हुआ है। कमज़ोर छात्र केवल हमसे संपर्क करेंगे मेरे मोबाइल नंबर पर 7525 8180 38 पर। इसी व्हाट्सएप नंबर पर आप क्लास 12 लिख करके व्हाट्सएप करिएगा, आपको हर एक चैप्टर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट का वीडियो लेक्चर आपको दिया जाएगा, जिसे पढ़ करके आप एग्ज़ाम में 90+ मार्क बड़े आसानी के साथ ला पाएंगे। यह उनके लिए है जिन लोगों ने अभी तक कुछ भी तैयार नहीं किया है, ठीक है। और यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट का सारा वीडियो आपको मिलेगा, इसके लिए थोड़ा सा शुल्क लगेगा, शुल्क मात्र ₹500 लगेगा, एक बार देना होगा, ठीक है। एक बार पे करके आप एग्ज़ाम में फेल होने से बच जाएंगे, और अगर आपने मेहनत कर दिया तो आप 90+ मार्क भी ला पाएंगे। तो इसके लिए आपको इस व्हाट्सएप नंबर पर क्लास 12 लिख करके सेंड करना है, हम आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट की वीडियो देंगे, शुल्क मात्र ₹500 है, ठीक है।